हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पर देखिए पोर्टुलाका में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और कई सारे कलर हैं इसमें। और ये पर्सलिन अभी फूल खिले ही नहीं है, धूप कम है थोड़े इस टाइम पे, और सुबह का टाइम है, ये 9-10 बजे के टाइम पे ये खिल जाते हैं। तो आज मैं बात करूँगी दोस्तों, बैंगन के प्लांट से हम अच्छी फ्रूटिंग कैसे लें और कैसे हमने फ्लावर को रोकना है। तो फ्लावर भी ख़राब हो जाता है बारिश में, तो कौन से फर्टिलाइज़र हम दें उसमें ताकि वो अच्छे से फ्लावर जो रुक सके और अच्छी फ्रूटिंग उसमें हो सके। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरा एक ही बैंगन का प्लांट है, ये देख सकते हो आप, और ये एक बड़े से टब में लगा हुआ है, ये देखिए इस तरह के। तो इसमें दो प्लांट थे, एक मेरा ख़राब हो गया है, अब एक ही रह गया है, तो अच्छे से ग्रोथ कर रहा है ये एक प्लांट भी। तो इसमें देखिए आप कितनी सारी फ्रूटिंग हो रखी है, ये देखिए ना, मैं आपको दिखा दूँ, बहुत सारा बैंगन इसमें लगा है और फ्लावर तो आप देख सकते हो ना कितना सारा आ रखा है यहाँ पे। तो ये देखिए बहुत सारा लगा हुआ है। तो किस तरह का फर्टिलाइज़र हमने इसमें देना है ताकि हमें अच्छी प्रोटीन मिल सके प्लांट से और फ्लावर जो आता है वो बराबर रुका रहे, ख़राब ना हो, गले ना, जड़े ना। तो कौन सा फर्टिलाइज़र हमने देना है ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो मैंने इस प्लांट को अभी 10 से 15 दिन पहले वो फर्टिलाइज़र दिया था और उसका रिजल्ट आप देख सकते हो आपके सामने है, और मौसम भी थोड़ा अच्छा हो गया है। कुछ मौसम का भी फ़र्क होता है दोस्तों, खाली फर्टिलाइज़र ही काम नहीं करता है। तो सबसे पहले हमने इसकी मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। तो जब भी हम फर्टिलाइज़र यूज़ करें दोस्तों, शाम के टाइम में करें, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ना करें धूप में। तो सबसे पहले हम इसके जो फल आ रखा है इसको तोड़ लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, फिर हमने इस पर जो फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करूँगी उसका हमने इस पर छिड़काव भी करना है। तो उससे पहले ये सब हमें कट कर लेना है, तो मैं कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने थोड़ा निकाल लिया है, 4-5 बैंगन निकले हैं इसमें और छोटे छोटे हैं, उनको मैं रहने दूँगी, अभी ये बड़े हो जाएंगे 3-4 दिन में, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। तो ये जो मैंने हार्वेस्ट किया है बंदरों की वजह से कर लिया, बंदर जो हैं आते हैं और पूरे बैंगन को ख़राब कर देते हैं, खाते भी नहीं है, तोड़ के फेंक देते हैं। तो ये तो तोड़ने लायक हो गया इसलिए मैंने तोड़ लिया है। तो बैंगन को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, इस टाइम पे आप नर्सरी पे जाओगे तो आपको प्लांट मिल जाएंगे बहुत सारे, नहीं तो हम सीड से भी इसको ग्रो कर सकते हैं, पौध तैयार करते हैं दोस्तों, वो बहुत ही अच्छे से इस टाइम पर रेडी हो जाएगी आपकी। तो ये मेरा 2 से 2.5 साल वाला, 2 से 2.5 साल का प्लांट है, तो आप देख सकते हो इसकी स्टेम कितनी थिक है बहुत अच्छे से, और ये बहुत ही अच्छा प्लांट हो गया है। तो ये देखिए मैंने थोड़ी गुड़ाई कर दी है मिट्टी की, तो इसको हम इजीली कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, मैंने कटिंग से भी 2 प्लांट बना रखे हैं। तो अब ये जो फल आ रखा है इसमें, इसको रोकने के लिए जो मैं फर्टिलाइज़र दूँगी और फ्लावर जो हैं उनमें भी अच्छे से इसमें फ्रूटिंग हो जाएगी फ्लावर में भी। तो कौन सा फर्टिलाइज़र मैं दे रही हूँ, ये देखिए आप यहाँ पर, ये है सीवीड एक्सट्रैक्ट, ये देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र है ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, और जो हमारे फ्रूटिंग प्लांट हैं, वेजिटेबल प्लांट हैं, तो इनमें हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही देना चाहिए। और जो हमारे कॉलेज प्लांट हैं जो डेकोरेट के लिए हम लगाते हैं, उनमें तो हम जो है कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रूटिंग और वेजिटेबल्स में हमें यही फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए दोस्तों, ये एक ऑर्गेनिक है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है, सीवीड एक्सट्रैक्ट, तो इसका ही मैंने यूज़ किया है। तो इसको मैं 1 लीटर पानी में 3 से 4 बूंद घोल के डाल दूँगी। तो ये देखें 3 से 4 बूंद 1 लीटर पानी में, और ये देखिए 1/2 लीटर की ये बोतल है, इससे हम स्प्रे कर देंगे प्लांट के ऊपर। इसमें 2 से 3 बूंद हमें डालनी है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये 1/2 लीटर पानी है तो इसमें इतना ही काफ़ी है।
तो इसके हम छिड़काव करेंगे प्लांट के ऊपर। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने 1 लीटर पानी में घोल लिया है। इसको अब हम प्लांट के मिट्टी में डाल देंगे। ये देखें अच्छे से, ये बड़ा पॉट है, इसको हम 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी हमने देना है फर्टिलाइज़र का बना के। और ये देखिए यहाँ पे, ये मैंने, ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, अच्छे से खिला लिया है, इसको मिक्स कर लिया है। तो अब इसका स्प्रे करेंगे हम। तो इसका स्प्रे हमने अच्छे से पूरे प्लांट पे कर देना है दोस्तों, जहाँ भी फ्लावर आ रखा है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से, तो ये देखें अच्छे से हमने इस पर स्प्रे कर देना है। सारे जो टिप्पे हैं वहाँ पे अच्छे से करना है, क्योंकि टिप्पे ही फ्लावरिंग होती है दोस्तों। और ये फल जो है ख़राब नहीं होगा, गलेगा नहीं, और अच्छे से जो फ्लावर है उसमें फल लगेगा बहुत ही अच्छे से। बिल्कुल भी आपका फ्लावर जो गलेगा नहीं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। पूरे प्लांट पे जहाँ जहाँ फ्लावरिंग हो रखी है अच्छे से, तो ये देखिए बहुत सारी ब्रांच है, बहुत ही बड़ा प्लांट हो गया है मेरा ये पूरा। अच्छे से हमको नहला देना है ताकि इसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल सकें, फर्टिलाइज़र का पूरा असर इस पर हो जाए अच्छे से। तो इसको मैं स्प्रे कर देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो इसका स्प्रे दोस्तों हम सभी प्लांट पे कर सकते हैं, कोई भी फ्रूटिंग प्लांट है, वेजिटेबल प्लांट है। ये देखिए मैंने मिर्ची के पे भी ये कर दिया है, ताकि ये फ्लावर इसका रुक जाए अच्छे से और फल आ सके अच्छे से। तो इस फर्टिलाइज़र को हम कर दिया है, सब पे स्प्रे कर दिया है पूरे प्लांट पे। तो इससे फ्रूटिंग जो है बहुत हेल्दी निकल कर आएगी, बहुत शाइनी वाली, बहुत ही चमक वाली अच्छे से। तो इसका जो असर है 7 से 8 दिन में देखने को मिलेगा। और इसका आप स्प्रे हफ्ते में एक बार करें, तो 15 दिन के अंदर 2 बार कर लीजिए, 15 दिन के अंदर ही ये फ्रूटिंग करने लग जाएगा अच्छे से, और जो फ्लावर बनता है वो भी अच्छे से फ्रूटिंग में बदल जाएगा। तो इसका हमें जब भी फ्लावरिंग स्टार्ट होने लगे तभी इस पर स्प्रे मार देना है और पानी में दे देना है। इस तरह से इसका हमने यूज़ करना है दोस्तों। तो बस, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, और मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाय दोस्तों।